रवीना टंडन यश के लिए खेलने वाली है फिल्म में या यश के खिलाफ? फिल्म कितनी फिल्में रिजेक्ट की श्रीनिधि शेट्टी ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए? क्या स्टोरी लाइन लीक हो गई है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर अपनी सारी फेवरेट वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। KGF Chapter 2 2020 की बहुप्रतिष्ठित रिलीज में से एक है, जो अभी पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 2018 में फिल्म का पहला प्रीमियर होने के बाद लोग फिल्म के दूसरे भाग यानी KGF के दूसरे भाग के बारे में किसी भी खबरों का इंतजार कर रहे थे। KGF अध्याय 2 एक आगामी कन्नड़ फिल्म है जो 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और इसमें यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीनिधि शेट्टी ने यश संजय दत्त अभिनीत फिल्म का हिस्सा बनने के लिए कितनी फिल्मों को रिजेक्ट किया है? जी, लोकप्रिय दक्षिण अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी, जिन्होंने यश अभिनीत केजीएफ अध्याय 1 में रीना के चरित्र को चित्रित किया था, वहीं दूसरे भाग में रॉकी भाई की प्रेम रुचि के रूप में उनकी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करेंगी। अब जबकि केजीएफ 2 एक बहुप्रतिष्ठित फिल्म है, तो श्रीनिधि ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए 7 फिल्मों को स्वीकार किया। अब TOI के बात माने तो उन्होंने कहा, KGF के पहले भाग के लिए जोरदार स्वागत के बाद निर्माताओं ने वास्तव में योजना की तुलना से दूसरे अध्याय शुरू करना चाहा। कई फिल्म निर्माताओं ने मुझे अपनी परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया, जिन्हें जून और अक्टूबर के महीने के दौरान तारीखों की आवश्यकता होगी, इसलिए मुझे उन्हें बिना किसी विकल्प के छोड़ना पड़ा। खबर है कि KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला भाग खत्म हुआ था। अब फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबों से नहीं मरेगा। अब उसका ये वादा दूसरे भाग में पूरा होगा। इसकी झलक मेकर्स KGF चैप्टर 2 के टीजर में भी दे चुके हैं। टीजर में हमने देखा था कि वादा पूरा किया जाएगा। KGF चैप्टर 1 में रॉकी गरीबों का मसीहा बन गया था और अब KGF चैप्टर 2 में वो गरीबों की मदद करेंगे और फिल्म के अंत में उनके सामने संजय दत्त के किरदार अधीरा से होगा। अब दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि दोनों कोलार गोल्ड माइंस में एक दूसरे से टकराएंगे। इसके साथ ही पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के बीच होने वाले गोल्ड के व्यापार के बदले डायनामिक को भी दिखाया जाने वाला है। KGF चैप्टर 2 में रॉकी इतने समझदार हैं कि वो राजनीति के गंदे खेल और माफियों के बीच बनते सीमाकरणों को समझने लगे हैं। अधीरा सूर्यवर्धन का भाई है जिसका सपना है कोलार गोल्ड माइंस पर राज करना। वहीं रॉकी भी चाहते हैं कि वह इस सोने की खदान पर राज करे। अब KGF की कहानी अतीत में सेट की गई है और ये एक दिग्गज पत्रकार की प्रेम कहानी के भीतर एक टीवी समाचार चैनल द्वारा खानों पर उनकी किताबों के बारे में पूछा जाने पर वर्णित है। अनुभवी आनंदी इंगली यानी कि अनंतनाग चैनल के मुख्य संपादक दीपा हेगड़े यानी कि मालविका अविनाश के साथ एक इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, जो मानते हैं कि उनका खाता गलत है। हालांकि जैसा कि वह कहानी सुननी है, वह खुद के बावजूद सहज हो जाती है। पहली फिल्म का जवाब नहीं है कि आनंद को छिपी कहानी का पता कैसे चला और वास्तव में भारत सरकार ने उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया या रॉकी को मौत का वारंट जारी क्यों किया। अब ये भी आनंद और रॉकी के बीच संबंध प्रकट नहीं करता है। अब रवीना टंडन को 1981 में भारतीय प्रधानमंत्री रामिका सेन की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, जो आदेश जारी करती हैं और वह एक नकारात्मक चरित्र है या रॉकी के साथ खेल रही हैं, ये तो हमें सीक्वल ही बता पाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलविदा।